हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितने पतले बाल हैं और ऊपर से नीचे काफ़ी थिन है। तो इनके हेयर्स के ऊपर इनको चाहिए थे कुछ थिक बाल दिखे, ऐसा हेयर कट। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ये होता है कि हम लोग ज़्यादातर लेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्राउन में बहुत सारा वॉल्यूम आए और लेंथ में भी जो डेंसिटी वो कम ना हो। तो इसी के लिए बेसिक से ही मैं 5 सेक्शन में डिवाइड किए बालों को, ईयर टू ईयर में 4 सेक्शन किए हैं। और जो सेंटर पार्ट है, जिसे हम क्राउन बोलते हैं, क्राउन के बीच में मैंने एक राउंड सेक्शन किया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्राउन को शॉर्ट एक कट में कन्वर्ट, जैसे आप देख सकते हो मैं ऊपर ले रहा हूँ और एक आइडिया ले रहा हूँ कि कहाँ से लेयर मुझे स्टार्ट करने। तो बेसिक फंडा ये होता है कि आप जब भी ये चीज़ें करते हो तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पे पहला कट दे रहे हो, जिससे आपकी गाइडलाइन डिसाइड होने वाली है। तो जैसे मैंने एक गाइडलाइन लिया, उसको कट किया और एक जगह डिसाइड की, वहाँ से मेरे लेयर्स आने वाले हैं। तो जैसे ये एरिया से नीचे की तरफ जो है, हम लोग प्रॉपरली लेयर्स करने वाले हैं और लेंथ भी थोड़ा मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, जो पतले हेयर से वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसको ओवर डायरेक्ट करना है। तो गाइडलाइन मैंने ले ली उस सेक्शन में, पर्टिकुलर सेक्शन में, उसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो आगे की तरफ लेके जाके जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के जरिए मैं शॉर्ट टू लॉन्ग कट कर रहा हूँ। बहुत आसानी से आप ये इसे कर सकते हो। तो इसमें आपको ऐसे लेयर्स मिल जाएंगे। तो मैंने पहले वन लेंथ कुछ भी नहीं किया है, हम लोगों ने डायरेक्टली ये हेयर कट करना स्टार्ट किया एकदम इजी तरीके से। सिमिलर अभी हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। तो इसको भी हम लोगों ने सेम उसी सिचुएशन में लिया है आगे की तरफ। तो आपको अभी दो गाइडलाइन मिलेंगी, एक जो हमने पहले राउंड में कट किया था और जो दूसरा सेक्शन है उसका भी आपको गाइडलाइन मिलेगा। दोनों सेक्शन को ऊपर के डायरेक्शन में लेके मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि बाबा जो मैंने कट किया है वो सही है क्या। तो ऑलमोस्ट सही है। तो अभी हम लोग बात करते हैं वापस हमारे दूसरे सेक्शन की। उसमें भी हम लोगों ने ऊपर की गाइडलाइन और साइड की गाइडलाइन को मर्ज किया है और बहुत आसानी से आपको जो है आगे के डायरेक्शन में उसे लेके जाना है, मतलब ओवर डायरेक्ट करना है। और जो गाइडलाइन आपको दिख रहा है उसके ज़रिए आपको इसे फॉलो करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सेम लास्ट वाला सेक्शन भी वैसे ही कटेगा। तो दोस्तों, बहुत अभी मेरे वर्कशॉप होने वाले हैं, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स में डालते रहता हूँ। तो आप कोशिश करो, अगर आपको वर्कशॉप में आना है या किसी को एकेडमी ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। बैचेस ओपन है, जिनको भी आना है वो कॉल कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इजीली मेरे सलून में आ सकते हो, एकेडमी में आ सकते हो और आपका जो भी कोर्स है, फुल कोर्स आपको करना है वो कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं क्राउन सेक्शन की। तो जो हमने राउंड कट किया है उसमें से छोटा पार्ट मैंने लिया है और इसको भी मैं थोड़ा सा क्या करूँगा ना, आगे की तरफ लेके जाऊँगा। देखो, थोड़ा सा मैंने आगे की तरफ लेके गया और इसको भी हम लोग वैसे ही कट करेंगे, जिससे फिर हमें क्या हो जाएगा ना, शॉर्ट टू लॉन्ग में क्राउन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम के ज़रिए आप एक बहुत अच्छा क्राउन में इनको वॉल्यूम दे सकते हो। तो अभी हम एंटायर सेक्शन जो है उस साइड वाला वो लेंगे, इसको भी सेम उसी डायरेक्शन में लेंगे, आपको गाइडलाइन ईजिली मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली आप उसे ही कट करोगे तो आपका जो हेयर कट है वो आसानी से कर पाओगे। और आप लोगों को इसके बाद वन लेंथ करना है, जो मैंने इसमें नहीं दिखाया, थोड़ा जल्दबाजी में था मैं। तो आप इजीली इसके बाद आप वन लेंथ कर सकते हो। वन लेंथ करने के बाद मैं इनके बालों के ऊपर ब्लो ड्राई स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी आप ब्लो ड्राई करते हो, थोड़े से वेट हेयर पे ऊपर करो, तो जिससे आपका जो ब्लो ड्राई का टेक्निक है या जो भी शाइन है वो ज़्यादा आएगा और आपको ग्रिपिंग भी अच्छा मिलेगा। तो हो सके तो थोड़ा सा वेट हेयर के ऊपर आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जिससे आपका लुक जो है बहुत अच्छा आएगा। तो ब्लो ड्राई करने में मैंने अच्छा सा टाइम लिया, प्रॉपरली ब्लो ड्राई किया उनके हेयर्स के ऊपर, फ्रंट बैक जितना हो सके मुझे, क्योंकि पतले बाल थे। तो अगर ज़्यादा पतले होंगे तो आप मूज भी लगा सकते हो, जिससे होल्डिंग अच्छा हो और आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से आए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझी होंगी। अगर आपको ये समझा है और आपको हेयर कट अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना। जो लोग नए हैं ज़रूर फॉलो करना दोस्तों, क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक वीडियो मुझे डालना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके साइड से भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है कि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही है या आपको और कुछ चीज़ें सीखनी है, तो ज़रूर कमेंट करना। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। और लाइक करना वीडियो को, जो लोग नए हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना जैसे कि आप हमेशा मुझे करते हो। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत उनके बालों के ऊपर लेयरिंग जो है वो आ रही है। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों हेयर कट कैसा लगा आप लोगों को, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
तो ये बैक वाला लुक है, मैं आपको इनका थोड़ा फ्रंट वाला भी लुक दिखाता हूँ कि फ्रंट से इनके जो हेयर्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि बैक में तो बहुत अच्छा लेयर्स और स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा बैक की, तो बैक वाला भी मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत रिजल्ट आया है इनका फ्रंट से। तो दोस्तों अभी मैं सामने की तरफ से आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरे जो वीडियोज़ है वो पसंद आते होंगे। अगर आते हैं तो जो भी नए लोग अपने फील्ड में आ रहे हैं उनके साथ शेयर करो, जो छोटे छोटे सैलून चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, सबको ये सारी चीज़ें बताओ और उनको दिखाओ ये सारी चीज़ें, और उससे उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी उनके काम में। तो आप देख सकते हो सामने कितना अच्छा लुक उनका आ रहा है, पूरा वॉल्यूम उनके हेयर्स के ऊपर आ रहा है, और बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने किया है, 5 स्टेप में ये हेयर कट कम्प्लीट किया है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट देते रहना जैसे आप हमेशा मुझे देते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर, और ऐसे ही सपोर्ट हमेशा करते रहिए जो आप मुझे रेगुलर बेसिस पे करते हो। थैंक यू सो मच।